हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकीज एंजेलिकिन। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर का टैरो रीडिंग्स। बेसिकली टैरो रीडिंग्स आपको इस महीने किस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ से थोड़ा बचकर रहना है, सो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। और जैसे आपको पता है कि मैं हर महीने एक अलग एंजल डेक यूज़ करती हूँ, तो इस महीने का जो एंजल डेक है वो है एंजल आंसर्स। बेसिकली एंजल आंसर्स से क्या होगा, आप अगर जैसे अपना जोडियाक देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने मन में एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन सोच लें, जो सिचुएशन का बेसिकली आप बहुत टाइम से जैसे एक यू नो आंसर मांग रहे हो भगवान से, यूनिवर्स से। तो ये उस सिचुएशन को आपको रिलेट करना है, ये उस सिचुएशन रिलेटेड आंसर्स आएंगे। तो इस महीने आपको टैरो कार्ड के साथ साथ एक एंजल आंसर भी मिलेगा। तो जैसे हम 3 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज करते हैं, तो इस महीने एंजल आंसर है। तो प्लीज़ देखते रहिए अपना जोडियाक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा प्यार दीजिए। आपके कमेंट्स मैं हमेशा रीड करती हूँ और आप सभी को रिप्लाई बैक करती हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वी मूव ऑन टू जेमिनी यानी मिथुन राशि। मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। 3 टैरो कार्ड्स और एक एंजल आंसर। जो पहला कार्ड है वो है द टावर। द टावर अब हमको ये बता रहा है कि आपने दिमाग में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रख के आपके दिमाग में स्पेस ही नहीं बचा है। जो एक बोलते हैं हम इंग्लिश में मेंटल पीस, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको इस महीने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जो भी थॉट्स है, बेसिकली इतने थॉट्स हो गए कि हर एक चीज़, हर एक जो भी आप देख रहे हो आपके आस पास, आपको हर एक चीज़ सिर्फ नेगेटिव लग रही है। आपको कोई भी चीज़ पर ओपिनियन देना है, ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव वर्ड्स निकल रहे हैं, बिकॉज दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, बहुत ओवर थिंकिंग हो गया है, बहुत सेल्फ डाउटिंग हो गया है। अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ हाई टाइम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप वो माइंड क्लियर करें, पॉजिटिव जोन में आएँ। उसी तरह जैसे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू विल सी सर्टन चेंजेस, सर्टन पॉजिटिविटी। जैसे ये कार्ड बता रहा है आपको, आप किसी के लिए अगर कुछ अच्छा फील करते हैं, कोई इफ़ यू लाइक समवन, दिस इज़ अ टाइम टू शेयर योर फीलिंग्स। आप सामने वाले को बताइए कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशन आपको बहुत आगे ले जाना है लाइफ में, तो इस वक्त आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बात करना है। सामने वाले से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए एंड यू विल सी समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव आउट ऑफ दैट। जो थर्ड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पे ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है कि ये मेरा है, ये मेरा है। थोड़ा आपको इस महीने शेयर करना है अपने सराउंडिंग्स, जो लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस, जो भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू। आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समेट रखी हुई है, दबा रखी हुई है, क्योंकि वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो निकलेगा तब आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करेंगे, यू विल फील बेटर। दिस इज़ हाउ योर मंथ इज़ गोना रिवॉल्व। लाइक कि स्टार्ट थोड़ा डल हो रहा है, नेगेटिव थॉट से हो रहा है, नेगेटिव फेस से हो रहा है, बट इवेंचुअली इट्स गेटिंग बेटर। एंजल आंसर टू यू इज़ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो एंजल्स हियर आर टेलिंग मी, आप जैसी सिचुएशन में हो, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, थोड़ी जो आपको इम्पोर्टेंस देनी है वो है मेडिटेशन। स्टार्ट कीजिए दिन में 5 मिनट्स मेडिटेशन से। जो भी रिलीजन, जो भी एनर्जीज में आप बिलीव करते हैं, उनको कनेक्ट कीजिए। वो जो 5 मिनट्स मेडिटेशन है, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी लाइफ का, आपकी सिचुएशन का सल्यूशन बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग्स अक्टूबर के लिए। आई होप आपको ये सही राह में गाइड करें और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले इनसे, एंड आई होप आपको ये पसंद आए। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच।